There is a huge section in India who enjoys watching reality shows on television. Popular TV channel ZTV is all set to present its audience with first of its kind devotional singing reality show Swarn Swar Bharat. The show had a grand launch on Thursday. Maha Aarti was performed at the event. What's so special about this show is that it will celebrate Indian values and will take the audience back to the roots through stories and soulful devotional music. Singer Kailash Kher and actor Ravi Kishan also marked their presence at the launch event. Here's what they said about the show. मैं बहुत खुश हूँ, सूत्रधार हूँ इसका, एंकर हूँ और मैं देवऋषि नारद भी बना हूँ, तो देवलोक में भी है पृथ्वी। पहली बार ये टेलीविजन इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा शो आ रहा है जहाँ आप देवलोक भी है, पृथ्वी लोक भी है और एक से गायक हैं और भजन गा रहे हैं ईश्वरी आराधनाओं को। जो हम लोग कहते हैं ना, परिवार मंदिर जाता है, माता बहनें, दादा दादी, बच्चे, अब वो भजन उनको शनिवार रविवार रात को जी टी वी पर मिलेगा, तो बहुत ही सुंदर है और बड़ा आनंद ले रहा हूँ। मेरे मन का शो, क्योंकि मैं थोड़ा अध्यात्म से शिव भक्त हूँ, तो मुझे मैं मन का शो था और मुझे मन का मिला। ऐतिहासिक है, बहुत बड़ा है वो जी टी वी, इस पर बहुत बड़ा प्रोडक्शन भी कर रही है, ग्राफिक्स टू एवरीथिंग, पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ भव्य है, तो अच्छा हुआ इतने भव्य शो के साथ जुड़ के, ये मेरा सौभाग्य है जी। हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं, उद्वेलित हैं, तरंगित हैं, उमंगित हैं, और इसलिए हैं कि भारत में तो नहीं परंतु विश्व में भी कभी ऐसा शो बना नहीं। Renowned poet Dr. Kumar Biswas, Suresh Vadkar and Kailash Kher will be seen as judges of the show. Dr. Kumar Biswas also marked his presence at the launch event of the show. During his interaction with the media, Biswas opened up about the reason behind being a part of this devotional reality show. Here's what he said. सब जानते हैं कि बम्बई की रियलिटी शो की दुनिया से मुझे पिछले एक दशक से, डेढ़ दशक से, 10-15 साल से बहुत सारे बुलावे आते रहे और मुझे हर बार लगता था कि वो शो के फॉर्मेट जो है मनोरंजक हैं, अच्छे हैं, जनता में लोकप्रिय हैं, लेकिन जैसी मेरी इमेज है और जो मेरा मन है उसकी रुचि के अनुकूल नहीं है, तो मैंने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन ये जी मीडिया समूह ने और विशेष रूप से हमारे मित्र और जो इस समय से देख रहे हैं श्री पुनीत गोयनका ने ये मेरे साथ विचार साझा किया और उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं और कोरोना काल है, हमारा मन है कि लोगों के मन को बड़ा करने के लिए, आत्मा को मजबूत करने के लिए, मस्तिष्क को दृढ़ करने के लिए कि कैसे अंधेरे का मुकाबला करें, एक शो बने जिससे आध्यात्मिक, धार्मिक, राष्ट्रीय ना आज़ादी के आंदोलन के गीत गाए जाएं, बीच में कुछ कथाएं सुनाई जाएं, कुछ वैज्ञानिकता सम्मिलित की जाए। इतनी सुंदर कंसेप्ट थी कि मैंने कहा कि मैं जरूर इसमें किसी भी भूमिका में आऊँगा और आज मैं उसमें विश्व लोक के प्रतिनिधि के रूप में उन बच्चों के साथ बैठता हूँ। बहुत ही सुखद अनुभव है और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके दर्शकों से वादा है, शनिवार रविवार रात 8 बजे पूरे परिवार के साथ इस शो को देखिएगा। मेरा आपसे वादा है और ये दावा है कि जब ये खत्म होगा शो, जैसे ही आपके मन में थोड़ी और दृढ़ता, थोड़ी और स्फूर्ति, थोड़ा और बल, थोड़ा और आत्मविश्वास, थोड़ी और आशा आपके अंदर होगी, ये मेरा वादा है। The show will premiere on January 22 on ZTV.